हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और उसके साथ ही इसके प्राइस प्रेडिक्शन की भी। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर शिबा की बर्निंग की, जो यहाँ पर लगातार जा रही है, मतलब कम्युनिटी शिबा को लगातार बर्न कर रही है और उससे ही जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो यहाँ पर बर्निंग से ही जुड़ी है। मतलब अगर हम यूटिलिटी की बात करें या शिबा के एडॉप्शन की बात करें, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी शिबा को एक्सेप्ट कर रही है, एज अ पेमेंट यहाँ पर इसे एडॉप्ट कर रही है और उसी के थ्रू यहाँ पर इसकी फिर से होने वाली है। मतलब यू कैन नाउ बर्न शिबा टोकन्स थ्रू अमेजोन परचेस। अमेजोन से अगर आप परचेस करते हैं तो यहां पर आप शिबा टोकन्स को बर्न कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स अगर आप यहां पर खरीदते हैं तो उसके थ्रू यहां पर शिबा की बर्निंग होने वाली। जो इकोसिस्टम है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ बर्निंग भी यहां पर बढ़ रही है, यूटिलिटी भी यहां पर बढ़ रही है। और जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है शिप सुपर स्टोर के द्वारा, जो यहां पर ट्रेविस जॉनसन शिप बर्न गेम से जुड़ा हुआ है, उसने यहां पर रिवील किया हुआ है कि शिप को अब अमेजोन के थ्रू भी बर्न किया जा सकता है। मतलब अमेजोन पर अगर आप परचेस करते हैं तो वहां से भी शिबा की बर्निंग होगी, जो एक काफी अच्छा साइन है। अगर हम यहां पर शिबा की यूटिलिटी की बात करें, एडॉप्शन की बात करें या इसके सप्लाई की बात करें, सप्लाई काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छा साइन है कि यहां पर कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्टिव है और इसे बर्न करते हुए नजर आ रही है। अनाउंसमेंट के हिसाब से अगर आप देखें, यहां पर इन्होंने अनाउंस किया हुआ है अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम जो है उसके थ्रू यहां पर बिटवीन 1% to 20% ऑफ परचेस प्राइस जो है उसके थ्रू यहां पर शिप टोकन्स को खरीदा जाएगा और उसे यहां पर बर्न किया जाएगा। तो एक काफी अच्छा साइन है कि बर्निंग यहां पर कम्युनिटी लगातार कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आगे आ रही है जो यहां पर शिबा को एक्सेप्ट भी कर रही है एज अ पेमेंट और उससे यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके थ्रू यहां पर शिबा को बर्न भी कर रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज की अगर हम बात करें तो 2.41 बिलियन शिबा इनू टोकन बर्न हुए। मतलब अगर हम किसी भी कॉइन को लेकर अभी चले मार्केट में, इतनी ज्यादा बर्निंग वहां पर नहीं हो रही है लेकिन शिबा में बर्निंग हो रही है। और अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात भी करें, लगभग 96 मिलियन शिबा टोकन बर्न हुआ है। तो बर्निंग यहां पर लगातार जारी है। उसके साथ ही जो टोकन का प्राइस है उसमें भी एक बड़ी स्पाइक देखने को मिली है लास्ट 24 आवर्स में, ऑलमोस्ट यहां पर 10% बढ़ा हुआ है। अगर हम होल्डर्स की बात करें, होल्डर्स भी यहां पर ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो होल्डर्स की संख्या यहां पर घटते हुए नजर आई थी, अब अगर आप देखें फिर से यहां पर होल्डर्स ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहां पर एशिया के टॉप 10 कॉइंस की लिस्ट देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं टॉप 10 के अंदर अभी भी शिबा बना हुआ है नंबर 10 पर। अगर हम मार्केट कैप देखें वो यहां पर अच्छा खासा डाउन में, लेकिन कहीं ना कहीं बीटीसी हो या फिर पूरा मार्केट हो, अभी यहां पर काफी ज्यादा डाउन में है, जिस वजह से पूरे कॉइंस अगर आप देखें यहां पर अच्छे खासे डाउन में देखने को मिलेंगे। तो अगर यहां पर मार्केट रिकवर करता है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट शिबा के प्राइस पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा यहां पर हमें इंतजार है शिबेरियम का भी, जिससे रिलेटेड अपडेट अभी तो यहां पर निकल कर नहीं आ रही है। मतलब सितोशी कुसामा या शिब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने यहां पर शिबेरियम के बारे में अभी नहीं कहा, लेकिन एक अपडेट जरूर आई थी, समर के एंड होने से पहले यहां पर शिबेरियम लॉन्च हो सकता है या उससे अपडेट्स निकल कर आ सकती है। तो यहां पर आने वाले कुछ समय में, मतलब अगर हम जून की बात करें या जुलाई की बात करें, ये यहां पर लॉन्चिंग मंथ हो सकते हैं शिबेरियम के, क्योंकि शिबेरियम एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है शिबा के इकोसिस्टम का, जिसका हर किसी को इंतजार है। और शिबा की अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें, एक समय काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर था सोशल मीडिया में, लेकिन अभी अगर आप देखें यहां पर थोड़ा नीचे की ओर आया हुआ है। इसका रीजन अगर आप देखें, प्राइस में भी काफी कमी देखने को मिल रही है, उसके साथ ही यहां पर होल्डर्स भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ट्रेड कर रहा है 0.009 की रेंज में और लास्ट 24 आवर्स में 5.66% बढ़ा हुआ है। मार्केट रैंक 16 है, वॉचलिस्ट लगभग 1.7 मिलियन से ऊपर है। और अगर हम यहां पर 1 मंथ की बात भी करें, जो प्राइस रेंज है वो आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 0.007 की सीरीज से लगाकर 0.017 की सीरीज तक ये घूम रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 70 यहां पर गया था जब मार्केट अच्छा खासा क्रैश हुआ था, उसके बाद 17 तक रिकवर किया, लेकिन अभी अगर हम देखें यहां पर सपोर्ट एरिया जो है 90 का, वहां से ये लगातार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 90 को इसने ब्रेक किया था, ऑलमोस्ट यहां पर 87 तक गया था, लेकिन फिर से यहां पर 90 की सीरीज में आ चुका है। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर अभी ये बना हुआ है। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो लगभग यहां पर 200% बढ़ा हुआ, मतलब इस रेंज में। अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स भी यहां पर शिबा को एक बड़ी क्वांटिटी में फिर से परचेस कर रहे हैं। टॉप होल्डिंग में नंबर 2 पर शिबा आपको देखने को मिलेगा वेल्स की, नंबर 1 पर FTX बना हुआ है। और यहां पर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देख सकते हैं जो बढ़ा हुआ है, मार्केट कैप लगभग 8% और ऑल टाइम हाई से 87% अभी भी ये कम चल रहा है। यहां पर हमें इंतजार है मार्केट की रिकवरी का, क्योंकि अगर मार्केट रिकवर करता है, बीटीसी यहां पर बढ़ता है, तो ऑल कॉइंस में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है और शिबा भी यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन अभी मार्केट में बनी हुई है, कहीं ना कहीं यहां पर वॉल्यूम काफी कम जनरेट हो रहा है और उसके साथ ही बीटीसी लगातार यहां पर रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब 31 का यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसे यहां पर सपोर्ट नहीं बना पा रहा है। लगातार यहां पर 28 और 31 के बीच में इसका प्राइस घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम
हमें यहाँ पर ऑल कॉइंस में भी एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।